अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। पीईसी के विड्रॉ जो हैं वो क्लोज कर दिए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि आफ्टर दिसंबर जो हैं आप अपने विड्रॉ ले सकते हो। और रीज़न ये बताई जा रही है कि काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर जो थे वो पेंडिंग में थे, उन ऑर्डर्स की सेटलमेंट चल रही है और जैसे ही सेटलमेंट कम्प्लीट हो जाएगी तो आपको विड्रॉ मिलने शुरू हो जाएंगे। प्लस न्यू अपडेट्स शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके ऑर्डर जो हैं वो ऑटो बाय हो जाएंगे और ऑटो सेल हो जाएंगे। अब देखना ये है कि हमें विड्रॉ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये ऐप हमारे साथ स्कैम कर चुकी है या कि हमें इस पे वर्किंग करनी चाहिए। तो देखें, जो इनका ऑटो सिस्टम है वो मेरी समझ में तो नहीं आता, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि जैसे ही आपके ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑटो आपके ऑर्डर जो है वो बाय हो जाएंगे और आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। जब हमें ऑटो ही बाय हो जाएगा तो उसमें से विड्रॉ हम कब लगाएंगे? और दूसरा, उसमें कैंसिल की जो ऑप्शन है वो भी इन्होंने ख़त्म की हुई है। जब आप कैंसिल पे किसी ऑर्डर के क्लिक करेंगे तो वहां पे ये शो हो जाएगा कि आपने 72 आवर्स के बाद जो है अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। तो विड्रॉ हम किस टाइम पे लेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि ये वाली अपडेट जो है वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। अलबत्त रही बात स्कैम की, तो इसके बारे में मैं अभी कोई कंफर्म नहीं बता सकता कि इसने स्कैम किया है या कि नहीं किया, क्योंकि अभी तक जो है ये अपडेट दे रहे हैं। लेकिन अगर हम पिछले ऐप्स को देख के इससे अंदाज़ा लगा सकें तो बाकी ऐप्स ने भी ऐसे ही किया था, कुछ ऑफर्स लगा दी, कुछ अपडेट्स लगा दी और उसके बाद जो है स्कैम कर गई। अब इनका क्या तरीका वारदात है, आया ये स्कैम करेंगे या कि नहीं करेंगे? रात को जो है मैंने बहुत सारे ग्रुप्स जो मैंने ज्वाइन किए हैं वहाँ पे मैंने मैसेजेस पढ़े, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉइस मैसेजेस जो है वो आ रहे थे कि जी इन्होंने स्कैम नहीं करना, ये तो प्रॉपर जो है वो चैनल के थ्रू चल रहे हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और अगर इन्होंने स्कैम करना होता तो 2 दिन पहले इन्होंने सीरीज डिस्ट्रीब्यूट की है वो ना करते। बातें अपनी जगह पर ठीक है कि अगर उन्होंने स्कैम करना होता तो ये सीरीज ना डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन बात ये है कि ये जो अपडेट ये दे रहे हैं इसको पहले इन्हें बताना चाहिए था कि अगर कोई बंदा विड्रॉ लेना चाहता है तो ले ले, क्योंकि हम दिसंबर तक विड्रॉ क्लोज करें। अगर ये इतने सच्चे हैं तो इनको ये चीज़ पहले से अनाउंस कर देनी चाहिए थी कि भाई अगर आप लोगों को विड्रॉ चाहिए तो आप ले लो, क्योंकि दिसंबर तक हम विड्रॉ को क्लोज करें, क्योंकि हमारे पास काफ़ी पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं तो उन ऑर्डर्स को हमने कंप्लीट करना है। ऐसी तो कोई इन्होंने बात नहीं की, अचानक से इन्होंने आके क्लोज कर दिया और अचानक से इन्होंने अपडेट दे दी कि भाई हम दिसंबर के बाद आपको विड्रॉ देंगे और आपका जो ऑर्डर है वो ऑटो बाय होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो आपको पहले बतानी चाहिए थी। अगर आपका इतना बड़ा स्टोर है, इतना बड़ा सेटअप है, तो आप अपने जो आपके कस्टमर हैं या जो आप लोगों के साथ इन्वेस्टर हैं या नेटवर्कर्स हैं उनको तो ये चीज़ें बताओ कि हम ये करने जा रहे हैं। ये अचानक से तुम लोगों को क्या ख्याल आया कि सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद तुम लोगों ने कहा कि आप जो है दिसंबर के बाद आपको विड्रॉ मिलेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा स्कैम हो चुके हैं कि कोई भी बंदा जो है इन ऐप्स पे भरोसा नहीं करता था। बहुत कम लोग थे जो 10% समझ लें कि इस पे भरोसा करते थे और 90% जो थे लोगों को यही लगता था कि ये स्कैम करेगी, और बहुत ज़्यादा लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई भी थी वो भी नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको ये लगता था कि ये भी अपना टारगेट अचीव करने के बाद स्कैम कर जाएगी। अब तो जो मेन इश्यू बनेगा वो है ट्रस्ट का, क्योंकि पहले भी जो लोग इसको ज्वाइन किया था, जिन लोगों ने, उनका जो ट्रस्ट लेवल था वो 10% था, 90% लोग जो थे इस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो इन्होंने हरकत की है उसके बाद जैसे ही ये विड्रॉ ओपन करेंगे तो सब लोग विड्रॉ लगाना शुरू कर देंगे और उसके बाद जो है ये ऐप मुझे नहीं लगता कि आगे कंटिन्यू रख सकेगी। तो ये एक बुरा स्टेप था इनकी तरफ से जो इन्होंने उठाया और उसके बाद जो है मुझे नहीं लगता कि ये अभी आगे कंटिन्यू कर सकेगी, क्योंकि मेन जो चीज़ होती है वो इन्वेस्टमेंट होती है। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगी तो उसके बाद कैसे ये सर्वाइव करेंगे? सो इसी अपडेट थी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। अगर आपके जहन में भी कोई बात है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लस मेरे व्हाट्सअप का ग्रुप है वहाँ ज्वाइन करके कोई भी नई अपडेट हो तो वहाँ पर मैं भी शेयर करता हूँ, आप भी मुझ तक शेयर किए करें ताकि जो लोग परेशान हैं उनको इससे फ़ायदा हो सके।